हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज की रेसिपी है सैंडविच ढोकले की रेसिपी, जिसे आज हम बनाएंगे गिट सैंडविच ढोकले के पैकेट से। ये ढोकला एकदम बाजार जैसा सॉफ्ट और एकदम जाली जैसा बनकर तैयार होता है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अगर आप इस ढोकले को बनाएंगे तो इसी सैंडविच ढोकले को आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और आसान रेसिपी है जो कि सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले लेंगे गिट सैंडविच ढोकले का पैकेट। ये 200 ग्राम का पैकेट है। आप इसे 15 सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसका जो MRP प्राइस है वो 90 रुपए है। इसके पीछे ये देखिए बनाने का तरीका लिखा हुआ है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। पैकेट को कट करेंगे और ढोकले के जो पैकेट है उन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इसके अंदर ये सारे पैकेट है। सबसे पहले खट्टा ढोकले का पैकेट है, आप देख सकते हैं। और ये जो इसके अंदर ये चटनी है सैंडविच की, ग्रीन चटनी मिक्स का ये पैकेट है। और दूसरा ये आप देख सकते हैं पीले वाले ढोकले का पैकेट है। सबसे पहले सफ़ेद खट्टा ढोकला बनाकर तैयार करेंगे। मिक्सर को एक बर्तन में निकालेंगे, 2 चम्मच इसमें तेल ऐड कर देंगे और 2 चम्मच यहाँ पर फ्रेश ताज़ा दही है ये। अब इसमें ऐड करेंगे 120 ml पानी। आप इस तरह से पानी किसी बर्तन से नाप के ले लें और इस बैटर को अच्छे से मिलाते जाएंगे, जिससे तेल और दही बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। खट्टे ढोकले का जो बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप इस तरह की कोई थाल या टीन वाला बर्तन ले लें, उसमें पहले से तेल या घी लगाकर तैयार कर दें। थाल में इस बैटर को फटाफट डालकर इस तरह से हिला देंगे और एक कढ़ाई में 1 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें एक स्टैंड रखेंगे और थाल वाले बर्तन को इसमें रखेंगे। अब यहाँ पर इसे ढक्कन लगाकर कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसे 10 मिनट भाप में पकने देंगे। तब तक यहाँ पर हम चटनी तैयार कर लेंगे। पैकेट को कट कर लिया है। चटनी के मिक्सर को एक बर्तन में निकाल लेंगे। 1/4 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके इसे 1 चम्मच से अच्छे से मिलाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ हम ढोकला भी देख लेंगे। 10 मिनट हो चुके, 10 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए ढोकला एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसे एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हम पीला ढोकला भी बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बर्तन में सारा मिक्सर ऐड कर देंगे। 2 चम्मच तेल और 120 ml पानी इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे और ऐड करके इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। यहाँ पर आपको सब कुछ फटाफट करना है। थाल वाले बर्तन में पहले से इस तरह से तेल लगाकर तैयार कर ले और बैटर को इस थाल में ऐड कर देंगे। बैटर को थोड़ा सा बराबर कर ले और कढ़ाई में पहले से 1 कप पानी गर्म करके उसमें इस तरह से स्टैंड रख के थाल वाले बर्तन को इसमें अच्छे से रख देना है और ढक्कन लगाकर इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट पकने देंगे। ये देखिए यहाँ पर खट्टा ढोकला ठंडा हो चुका था, तो इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। तब तक हम दूसरी तरफ तड़का तैयार कर लेंगे। एक पैन में 2 चम्मच तेल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच इसमें राई ऐड करेंगे। राई के अच्छे से चटकने के बाद 1/2 छोटी चम्मच हींग ऐड करेंगे और 1 चम्मच ये सफ़ेद वाली तिल इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 1 मिनट तेल में फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट हो चुके, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए। 10 मिनट हो चुके, ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए खमन काफ़ी अच्छे से फूल चुका है, अब इसे भी ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक यहाँ पर सफ़ेद और खट्टे ढोकले में चटनी लगाकर तैयार कर लेंगे, जो कि हमने पहले बनाकर रख लिया था। इस तरह से चारों तरफ चटनी लगाकर तैयार कर लेना है। पीला वाला ढोकला ठंडा होने के बाद सफ़ेद वाले ढोकले के ऊपर इस तरह से रख देते हैं। ये देखिए इसके किनारे इस तरह से बराबर होने चाहिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट ये ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े सैंडविच ढोकले की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कटिंग करके इसमें गैपिंग कर देंगे, जिससे कि इसमें तड़का आसानी से अंदर तक चला जाए। तड़के को इस तरह से अच्छे से इसमें फैला देना है। अब तड़के के ऊपर से थोड़ा सा ऐड करेंगे घिसा हुआ नारियल। इससे जो सैंडविच ढोकले का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सैंडविच ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे मैं आपको दूसरी प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये लीजिए एकदम सॉफ्ट और जालीदार सैंडविच ढोकला बनकर तैयार हो चुका है, वो भी बहुत ही कम टाइम पर। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और आसान रेसिपी है, तो एक बार आप इस सैंडविच ढोकले को जरूर ट्राई करें। सभी को ये सैंडविच ढोकले की रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये सैंडविच ढोकले की रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें।